कविता सुनाने में खड़े होकर मजा आता है, क्योंकि शुरू जैसे रियाज होता है, जैसे मालविका जी शुरू में आ ना करें तो ये गा ही नहीं सकते हैं। जैसे मेकअप करना अगर फाउंडेशन न लगाएं तो ब्यूटी नहीं हो पाएगी इनकी। उसी प्रकार से अगर हम खड़े ना हो, हाँ, तो कह रहे हैं धीरे धीरे भूमिका न बनाओ। भूमिका इतना टाइम नहीं कि हम यूँ कह सके टाइम नहीं। एक बहुत सेंसिटिव उस पर मैं हास्य की कविता सुनाता हूँ। स्वागत। शायद इसमें 5 सेकंड की बनानी पड़ेगी। बनाए? अब अनंत विजय कह देने रहे, हमका तुम्हारा चिंता नहीं। वह है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और वह है बाद में देखे हैं जो उनको छुए। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने अपने स्तर पर खाने की व्यवस्था की है। दैनिक जागरण से कोई मतलब नहीं है। जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को मैंने खाने की व्यवस्था कहाँ की है, इसलिए अंत तक आप लोग रुकिएगा। नहीं नहीं, भगवान कसम से हम बताएंगे। आप लंकेश बैठे रावण झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो वो कविता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा, अगर वहाँ पर हास्य जरा सा भटके तो अश्लीलता हो जाएगा, और हास्य जरा सा अपने हास्य के तेवर को न पकड़े तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक विषय है पहली रात, जब पति पत्नी की शादी होती है तो उस पर कविता है। 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। व्यक्ति अपना जो बेसिक करेक्टर है उसको नहीं छोड़ता। एक कंडक्टर की शादी हुई तो जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो बोला, उधर किसको, एक सवारी और बैठेगी। इस तरह से बेसिक करेक्टर होता। अब आप सुनिएगा, 3 लोगों का चित्रण है, नेता, पुलिस और वकील। नेता जी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात 4th दिन मनाई, क्योंकि नेता कहीं समय से नहीं जाता। आप 2 बजे बुलाइए, 5:45 आता है। करेक्टर्स आप ध्यान में रखिएगा तो आपको इस हास्य कविता का व्यंग्य समझ में आ जाएगा। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात 4th दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। मुस्कुराहट दीजिएगा। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। वही शब्दावली यूज हो रही जो पॉलिटिक्स की, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक अन्नु अवस्थी ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। अन्नु अवस्थी ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। मैं जो कह रहा हूं आप उसको बहुत ध्यान से जुड़े रहेगा। आज नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। पॉलिटिक्स के शब्द हैं, आप उनको एंजॉय करिए। और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई, रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई और सवेरे वंदे मातरम कहके संसद चले गए। सवेरे वंदे मातरम कहके संसद चले गए। पत्नी के स्वप्न आजादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए, रेत के महलों के समान ढह गए। जहां नेता होता है वहां उसका शेडो हम देखते हैं, फिर पुलिस का आदमी होता है तो छोटी सी बंदूक पकड़े रहता है, उसमें चारों तरफ छेद होते हैं। हम आज तक नहीं समझ पाए गोली किस छेद से निकलती। तो हमने एक बार पूछ लिया एक सर ने, कहा भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती, उसका जवाब और मेरा प्रति जवाब। हमने कहा भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती, बोला मार के बताएं क्या। तो जो मैंने जवाब दिया उसमें छिपा व्यंग्य समझ जाइएगा, तो तालियों का एक भंडार दीजिए। हमने कहा भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती, बोला मार के बताएं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए। क्या बात, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 20 रुपए लाओ। प्रवृत्ति पर व्यंग है, आप इस पर इसका प्रवृत्ति का आनंद लीजिए।
पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में पत्नी को चौंकाया, बोला 20 रुपए लाओ वरना पहली रात थाने में बिताओ। बोला वरना पहली रात थाने में बिताओ, अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ। इसके बाद वाले उस पर तालियां उठे, बोला अरे मैं तो 20 ही मांग रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे 500 से कम में नहीं जाएंगे। जब ये दोनों होते हैं तो वकील होता है, वकील आता है। वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई। ये बहुत सारे हमारे वकील मित्र बैठे हैं, इनको नहीं समर्पित है, कानपुर के वकीलों, नहीं नहीं कानपुर के भी नहीं, कानपुर के भी नहीं, तो बस बैठे हैं ये केरल के वकीलों के लिए समर्पित। वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई, वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो। बोले कहो, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहूंगी, हाजिर नाजिर मतलब साक्षी। बोले कहो, भगवान को साक्षी मानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील ने तलाक दिला दिया। जब इन तीनों के सुनाए तो इन तीनों ने पकड़ा, बोले बहुत बड़े रंगबाज बनते हो, बहुत बड़े अपने कवि समझते हो, कवि की भी बताओ वरना छोड़ेंगे नहीं, तो कवि की भी बतानी पड़ी। एक कवि ने शादी रचाई, मुकुलमान जी राजन पंडित जी सुनिएगा, एक कवि ने शादी रचाई, एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, बिजी था कवि सम्मेलन में जाता कैसे। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, भाई साहब पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा, और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा उसकी धर्म। अब कवियों की पत्नियों का क्या हाल है असल जिंदगी में, वो मैं प्रतीकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। चाहे जितना पत्नियां मुस्कुराएं, लेकिन जब पति बाहर रहता है, खैर वो सब अलग बात। उसके ना हम क्या कहूँ, घर तक बात ना पहुंच जाए। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा, उसकी धर्म परायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर रही है, और शादी के बाद से लेकर आज तक बेचारी रोज तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल कर मर रही है।